मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसान को यूरिया खाद के लिए सड़कों पर आना पड़ा है। इतना ही नहीं, उसने हाईवे जाम कर थाने पर हंगामा किया। लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि उसे उसके बाद भी यूरिया खाद नसीब नहीं हुआ। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के खाते गांव कस्बे की, जहां बीते कई दिनों से यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे 2 बोरी यूरिया खाद मिल पा रहा है। हद तो तब हो गई जब यूरिया खाद के लिए पुलिस थाने में लाइन लगे किसानों को मालूम पड़ा कि दुकान पर यूरिया खाद समाप्त हो गया है, अब उन्हें यूरिया खाद नहीं मिलेगा। यह सुनते ही किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और भी सड़कों पर पहुंच गए। देखते ही देखते हाईवे जाम हो गया। मौके पर मौजूद SDM संतोष तिवारी एवं थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने जैसे तैसे किसानों को समझाकर मामला तो टाल दिया, लेकिन किसान मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को कोस से नजर आए। उनका कहना था कि पहले तो कमलनाथ सरकार ने 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने का उनके साथ धोखा किया और अब यूरिया खाद के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। अच्छा, आपको खाने की जानकारी किसने दी? आपको खाने की जानकारी किसने दी कि थाने में खाद मिल रहा है? द्वारा खाद की आपूर्ति के कारण किसान दर दर भटक रहा है। आज सुबह हातेगांव में तकरीबन 5 बजे थाने में किसान लाइन लग के खड़े हो गए थे। तब मुझे मालूम पड़ा कि यह तो बहुत मैं भी आया और मैंने किसान के साथ बैठकर चक्का जाम करा और फिर प्रशासन आया और प्रशासन ने सभी सोसाइटियों में खाद भिजवाने का हमें आश्वासन दिया। सभी किसान भाइयों को जहाँ रात को खाद पहुँच गया वहाँ आज मिल रहा है और जो आज खाद पहुँचेगा वो सभी को कल मिलेगा। डिफाल्टर खातों को भी 2-2 बोरी नगद में खाद दिया जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं किसान मोर्चा के माध्यम से हातेगांव में रोड जाम चक्का जाम करूंगा और किसानों के लिए हरदम लड़ाई लड़ने के लिए। आगे भी भाजपा के द्वारा पूर्व में एक आंदोलन किया गया था, हमने कोई असर देखा गया क्या? हमने अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ 4 आंदोलन कर चुके हैं। 2 लाख को लेके, समूह को लेके, गेहूं का बोनस को लेके, भावंतर को लेके और यूरिया को लेके अभी हमने परसों ही 29 तारीख को एक धरना आंदोलन करा था। उस रोज हमको 2 रोज का आश्वासन दिया है। यदि सरकार किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाएगी तो हम सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। यही हमारा विपक्ष का एक वो है और हम किसान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमें गेहूं के लिए रे यूरिया नहीं मिले रे, मोदी जी मध्य प्रदेश में आके जरा तुम देख तो लो हम किसानों को। हमें गेहूं के लिए रे यूरिया नहीं मिले रे, खाते गांव कन्नौज हो और या हो नसुल्लागंज, मिले नहीं हमें यूरिया, सबकी दुकानें बंद, सबकी दुकानें बंद, ब्लैक में बेच रहे जयचंद। यूरिया नहीं मिला तो गेहूं पैदा नहीं होंगे, हमें गेहूं के लिए रे यूरिया नहीं मिले रे। थोड़ी सी समस्या है, जो डिफाल्टर किसान है उनको खाद मिलेगी थी, तो कलेक्टर महोदय से बात की है, ऐसा आदेश जारी हो रहा है तो जो डिफाल्टर किसान है उनको भी नगद रूप में अभी फिलहाल 2-2 बोरी, फिर आगे जैसे जैसा आता जाएगा उस हिसाब से उनको संबंधित सोसाइटी से ही मिल जाएगा, तो यहाँ लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आगे भी क्या अब लाइन तो नहीं लगना पड़ेगा किसान को, ऐसी कोई व्यवस्था आप लोगों को? उम्मीद ये है, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि किसान गांव से यहाँ तक परेशान ना हो, उसको अगर डिफाल्टर है तो उसको अभी तक नहीं मिल पा रहा था तो उसी सोसाइटी से उसको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद